केसरबाई पत्नी धनराज जाट निवासी खोखरिया खेड़ी ने जिला पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़ के समक्ष उपस्थित होकर एक परिवाद इस आशय पर पेश किया है कि केसरबाई के पति की मृत्यु के पश्चात उसके बड़े पुत्र अभियुक्त भगवती लाल ने परिवादियों के नाम पर रजिस्टर्ड संपत्ति को बहलाव फुसलाकर विश्वास में लेकर विक्रय करवा दिया है और समस्त रकम हड़प ली है और ये झूठा आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारी सेवा चाकरी व भरण पोषण जीवन भर करूंगा तथा कुछ समय बाद परिवादियों के गहने भी बेच दिए और रकम हड़प ली और कुछ ही महीनों में अपने साथ रखने के पश्चात परिवादियों को मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया जिससे परिवादियों इधर उधर भटकने लगे जिसके पश्चात परिवादियों के छोटे पुत्र नगजीराम ने परिवादियों को अपने साथ रखा तथा अभी वह भगवती लाल व उसकी पत्नी राधा आए दिन जान से मारने की धमकी देते हैं और गांव छोड़कर जाने के लिए कहते हैं तथा परिवादी जब भी अपने छोटे पुत्र नगजीराम के खेत पर जाती है तो अभियुक्त गण उस पर पत्थर फेंकते हैं और गांव छोड़ने के लिए दबाव बनाते हैं जिस पर कई बार परिवादियों ने पुलिस थाना भातसोड़ा में रिपोर्ट की जिस पर कोई कार्यवाही नहीं होने से परिवादियों ने पुलिसकर्मियों के अभियुक्त से मिलीभगत होने का भी आरोप लगाया है। परिवादियों ने बताया कि अभियुक्त गण वर्तमान में उसे आत्महत्या करने के लिए उकसा रहे हैं एवं लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं जिससे परेशान होकर परिवादियों ने जिला पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़ के समक्ष उपस्थित होकर परिवाद दिया है जिस पर श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक ने सुनवाई करके जल्द से जल्द कानूनी कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। क्या है पूरा मामला, क्या है मामला? यह है कि मैं बटे मर चाले लगान उठे जमीन मेस दी थी, मेस आई थी भाई अटे रीपा खोड़ी सब ले नहीं भाई ले लेता मोट गए भगवती नाम है खोगरे बैठे हो गए अन थोड़ा दिन मैंने आने काट दी थी थोड़ा दिन भाड़े थी अन उसे नाइन्थ बैठे चो भैया जी मम्मी मर मेरे तो ऊँसे मन के पास 5,000 रुपया जो ऊँसे मीका हक में मकान बना ओवरी इन बसे भी मेरी अन अभी है तो वो बंडे भी नहीं रहवा देन मैंने कूट मार के बांध काट दी थी तो बेमारो न्याय बनो सावे अन मु एसपी साहब के पास केस भी हो। आपने पहले कोई थाने में रिपोर्ट दी? रिपोर्ट दी थी। वो कौन सा थाने में दी? कौन सा थाने में दी आप? बदोड़े थाना में। तो क्या वहाँ के थाना पुलिस ने क्या कोई कार्रवाई नहीं की आपकी? कार्रवाई नहीं की थी। आज आप कहाँ पेश होने जा रहे हैं? अभी कई करूँ बे मैं जी बे मैं तो परेशान भी हूँ जोरदार मैंने कूट मार के बाहर काट दी थी। तो आज एसपी साहब के वहाँ पेश हो रहे हो आप? पेश भी हूँ भगवान। अब क्या चाहते हो आप? न्याय न्याय बेनो साहब वो कम बे कटे रहे हूँ कई करूँ बे वो सब संपत्ति ले लिए रकम बा पैसा कौड़ी सब ले लिया तो बे मर कौन दे तो बे इनको न्याय बेनो साहब एसपी साहब के पास पेश भी हूँ भगवान।